नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं कोमल और आप देख रहे हैं इनसाइटर लाइव का टॉप न्यूज वीडियो। भारत में पहली बार हो रहे ऑल इंडिया डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट में शामिल होने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे। इस कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने जजों और वकीलों से कहा कि कमजोर वर्ग को न्याय मिले, जस्टिस डिलीवरी जरूरी है। ये पहला मौका था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीफ जस्टिस एनवी रमना ने एक साथ कोई मंच साझा किया। दिल्ली में लागू होगी पुरानी आबकारी नीति। विवादों के बीच केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अधिकारियों के मुताबिक नई आबकारी नीति की सीबीआई से जांच की उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की सिफारिश के बीच दिल्ली सरकार ने शराब बिक्री की पुरानी व्यवस्था पर लौटने का फैसला किया है। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति पिछले साल लागू की थी, जिसे अब वापस लिया जा रहा है। दिल्ली के डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम नई एक्साइज पॉलिसी लाए हैं और शराब के धंधे में करप्शन को रोका भी है। सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी हमारी नई शराब नीति को फेल करने में लगी है। भाजपा पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जहरीली शराब बेच रही है। उन्होंने कहा कि नकली शराब के कारोबार से बीजेपी को फायदा हुआ है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जल्द ही अपने कैबिनेट में फेरबदल करने जा रही हैं। अपने वरिष्ठ मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद ममता ने उन्हें कैबिनेट से बर्खास्त कर दिया था। पार्थ के पास वाणिज्य उद्योग के अलावा अन्य मंत्रालय भी थे, जो फिलहाल सीएम के पास है। पार्थ की सहयोगी अर्पिता के घरों से करोड़ों की नकदी और सोना बरामद किया गया और इसके अलावा पार्थ की अकूत संपत्तियों का भी पता चला है। अर्पिता और पार्थ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ करेगी ईडी। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी ने पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी के करीबी अर्पिता मुखर्जी से जुड़ी 8 कंपनियों के बैंक खाते फ्रीज किए। इस बीच पूछताछ के दौरान पार्थ ने बताया कि नेताओं के कहने पर उन्होंने कईयों को नौकरियां दी। ईडी सूत्रों के मुताबिक आज अर्पिता और पार्थ को आमने सामने बैठाकर पूछताछ की जाएगी। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान से महाराष्ट्र की सियासत गर्मा गई है। एक कार्यक्रम के दौरान भगत सिंह कोश्यारी ने कहा कि अगर महाराष्ट्र से खासकर मुंबई और ठाणे से गुजरातियों और राजस्थानी लोगों को निकाल दिया जाए तो यहां कोई पैसा नहीं बचेगा। ये लोग अगर निकल गए तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई नहीं रह जाएगी। उनके बयान पर शिवसेना नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया देते हुए इसे मराठी इंसानों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान भी बताया। एशिया की सबसे अमीर महिला बनी सावित्री जिंदल। ओपी जिंदल समूह की चेयरपर्सन सावित्री जिंदल $11.3 बिलियन की संपत्ति के साथ एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई है। उन्होंने चीन की यांग हुईयान को पछाड़कर ये उपलब्धि हासिल की है। गौरतलब है कि चीन में इस समय रियल स्टेट मार्केट नकदी संकट से जूझ रहा है, जिस वजह से यांग ने अपनी आधी से ज्यादा संपत्ति गंवा दी है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगी कल अगले वीडियो में। देखते रहिए इनसाइट लाइव। नमस्कार।